बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी चार रानियां थीं और उनके छह लड़के थे, जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गर्द पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1,00,000 रुपये देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल के अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिले तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने राज्य में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहां पर राज करते हो, तेली पाताल पर राज करता था। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था, कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल हीरा मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल हीरा निकला। इतने लाल हीरे देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज ये लाल हीरे इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं नापा जा सकता। एक एक लाल हीरा एक एक राज्य के बराबर है। उसके बाद राजा ने योगी से पूछा, आप मेरे से क्या चाहते हैं? तो योगी कहने लगा, तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहां पूजा करता हूं। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैर में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गए और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे लाया और बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूं, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तो दोस्तों यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।